क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन है कि थ्री पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स में, और थ्री पार्ट्स में जो गिवन है क्वेश्चन वो ये है कि जो पॉइंट्स गिवन है उनसे कोई क्वालिटेटर फॉर्म हो रहा है या नहीं, अगर कोई क्वालिटेटर बन भी रहा है तो उस क्वालिटेटर का टाइप क्या है, किस टाइप का क्वालिटेटर है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोमबस है, किस टाइप का जो आपका वो क्वाड्रिलेटर है ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटर है आपके रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोमबस, मेन यही है फोर, बाकी आपके और भी है ट्रेपेजियम वगैरह, ठीक है, बट ये मेन फोर है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी का यूज इस क्वेश्चन में होना है, तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी में पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है दोस्तों, ए बी साइड जो होगी वो इक्वल होगी आपकी सी डी के, ठीक है, एंड बी सी इक्वल होगी ए डी के, बी सी इक्वल ए डी। सेम आपका पैरेललोग्राम में भी होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, सो ए बी इक्वल होगी सी डी के एंड बी सी इक्वल होगी, सॉरी, बी सी इक्वल होगी आपकी ए डी के। अब ये तो सिमिलैरिटी है दोनों में, रेक्टेंगल में जो ए बी इक्वल सी डी है, बी सी इक्वल ए डी है, एंड सेम आपका पैरेललोग्राम में भी ए बी इक्वल सी डी है एंड बी सी इक्वल ए डी है। ठीक है, तो अगर केवल मैं इतना फाइंड कर दूंगा तो मैं ये तो बता नहीं पाऊंगा कि आपका जो गिवन पॉइंट्स है वो रेक्टेंगल के हैं या फिर पैरेललोग्राम के, तो मुझे इनके डायगोनल भी देखने होंगे क्योंकि ऑनली साइड से मैं नहीं बता सकता कि वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो साइड डायगोनल देखें, इसके डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल होते हैं, और जो आपका पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो मेन जो डिफरेंस है पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में वो आपका यही है, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन में अगर आपके अपोजिट साइड इक्वल आती हैं एंड डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो वो आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। एंड इफ आपके अपोजिट साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो वो आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ये आपका स्क्वायर है और ये आपका क्या है, रोमबस है। स्क्वायर की क्या पार्टी होती है, आर फोर साइड्स इक्वल होती है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। ठीक है, सेम क्या होता है आपका, रोमबस में भी होता है, आर फोर साइड्स इक्वल होती है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी। ठीक है, अब अगर मुझे केवल ये पता चल जाए कि आल फोर साइड्स इक्वल हैं, तो इस केस में भी नहीं बता पाऊंगा कि आपका स्क्वायर है या रोमबस है। ठीक है, वो रोमबस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वो वर्टेक्स रोमबस के भी हो सकते हैं, स्क्वायर के भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो ओनली साइड से मुझे पता नहीं चल पाएगा, तो अब मैं डायगोनल देखूंगा। स्क्वायर के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ए सी इक्वल बी डी, बट आपके रोमबस जो है उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ए सी डज नॉट इक्वल बी डी। जैसे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का मेन डिफरेंस था वो डायगोनल का ही था, सेम रोमबस एंड स्क्वायर में भी आपका जो मेन डिफरेंस है वो डायगोनल्स का है, साइड दोनों में इक्वल होती है आल फोर साइड्स, बट डायगोनल रोमबस में इक्वल नहीं होते दोनों डायगोनल, और जो आपका स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में जो वर्टेक्स गिवन है फोर पॉइंट्स गिवन है, अगर आपके आर फोर साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आपका वो क्या होगा, आर फोर साइड्स इक्वल आ जाती हैं और आपके टू डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं, वो आपका स्क्वायर होगा। अगर आपके ओनली फोर साइड्स इक्वल आती हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं आते, तो आपका क्या होगा, रोमबस होगा। ठीक है, तो कितनी कंडीशन हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टू अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। सेकेंड, अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो वो आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। थर्ड, आर फोर साइड्स इक्वल है, ये आर फोर साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो आपका वो क्या होगा, रोमबस होगा।
आर फोर साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स भी इक्वल है, तब वो आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा ये बताने में कि आपका क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आपका सेकंड पार्ट है उसको, उसमें जो आपका जो पॉइंट्स गिवन है उन पॉइंट्स से कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनना है। वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है वो हम कैसे बता सकते हैं, उसके लिए हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको जो आपका कार्टेशियन सिस्टम है उसमें मार्क करना होगा, उसी से हमें पता चल पाएगा कि क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है या नहीं। और ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आप ऐसे ही डिस्टेंस फाइंड करके बता सको कि हाँ क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है इसमें, ऐसे बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें क्वाड्रिलेटरल तो बन ही रहा होगा, बस आपको ये बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये फोर पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो इन फोर पॉइंट्स को मैंने क्या किया, ये मुझे पता है ये आपको क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, आप चाहे तो कार्टेशियन सिस्टम पे इन पॉइंट्स को मार्क करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मैंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसी के वर्टेक्स अज्यूम किया। तो मैंने देखा लेट 1, -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0 आर वर्टेक्सेस ऑफ पैलोग्राम एबीसीडी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रफ पैलोग्राम बनाया हुआ है, ये ना ही आपका क्वाड्रिलेटरल है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही पैलोग्राम है, ना ही स्क्वायर है, ना ही रोम्बस। ये मैंने एक जनरल आपका क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, ठीक है। वो आपका थोड़ा काइट शेप में लग रहा होगा बट वो ऐसा नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है। और मैंने इसके वर्टेक्स को नॉमिनेट किया ए बी सी डी, जो आपका ए है वो -1, -2, बी आपका है 1, 0, सी है आपका -1, 2 एंड डी है आपका -3, 0, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आल फोर साइड्स में फाइंड करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए भी फाइंड करेंगे हम, तो ए साइड ए बी स्क्वायर रूट x2 - x1, तो 1 - -1 - -1 - +, हो जाएगा स्क्वायर प्लस -y1, 0 - -2, तो +2 होल स्क्वायर, दिस इज 1, 1, 2 का स्क्वायर +2, ये आपका आ गया 4 + 4 स्क्वायर रूट 8, ओके। नाउ बीसी आपका आएगा बीसी बाय x2 - x1, ठीक है। तो -1 का होल स्क्वायर +2/2 - y1, 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका होगा -1 - 1 - 2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 4 + 4 स्क्वायर रूट 2। ये टू साइड्स तो इक्वल आए गए, ठीक है। तो नाउ बीसी सीडी स्क्वायर रूट x2 - x1 - 3 - -1, तो -1 + 1 whole square + (2 - y1, 0 - 2) आपका हो गया -2 whole square + ये भी आपका -2 whole square, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -2 - -2 का होल स्क्वायर आपका हो गया 4 एंड दिस -2 का होल स्क्वायर 4 आपका हो गया -√8, ठीक है। आपकी थ्री साइड्स इक्वल आ गई, डी ए आप ये डिफाइन करेंगे x2 - x1 - 3, वो मैंने आपको बताया था x1 - x2 का होल स्क्वायर लें या x2 - x2 का होल स्क्वायर लें, x2 - x1 का उससे कोई भी डिफरेंस नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। -3
माइनस माइनस वन है तो प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस, और ये ऑलरेडी है तो ये प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, आपका हो गया माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, टू टू जा फोर प्लस टू टू जा फोर स्क्वायर रूट एट। तो आपके आर फोर साइड्स इक्वल आ गई, ए बी बी सी सी डी और डी इक्वल आ गई। तो आर फोर साइड्स इक्वल किसमें होती हैं? आपके स्क्वायर में भी होती है आर फोर साइड्स इक्वल, और रोमबस में भी होती है, तो स्क्वायर भी हो सकता है रोमबस भी हो सकता है, तो ओनली फोर साइड्स में हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो अभी हमें डायगोनल भी फाइंड करने पड़ेंगे ए सी एंड बी सी, ठीक है। तो हम ए सी फाइंड करेंगे, ए सी ए सी सेम एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन माइनस, और ये ऑलरेडी है तो प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस प्लस होल स्क्वायर, ये आपका जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर ये आपका टू टू फोर का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा जीरो प्लस सिक्सटीन स्क्वायर रूट सिक्सटीन, ठीक है। नाउ बीडी माइनस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन प्लस जीरो स्क्वायर रूट सिक्सटीन। तो आपके दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए इक्वल रूट एट, ठीक है। एंड ए सी इक्वल बी डी इक्वल रूट सिक्सटीन इक्वल फोर। तो इस जो आपकी जो फोर पॉइंट गिवन है उनसे जो कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो रहा है उसके आर फोर साइड्स इक्वल हैं एंड वो डायगोनल भी इक्वल है। तो आर फोर साइड्स आपके रोमबस के केस में इक्वल होती है और स्क्वायर के केस में इक्वल होती है, और दोनों डायगोनल जो इक्वल होते हैं वो ऑनली स्क्वायर के केस में होते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो पॉइंट्स है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहे हैं, एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्क्वायर। ओके, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। पॉइंट इज माइनस थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा वन जीरो कॉमा थ्री एंड माइनस वन कॉमा माइनस फोर, ठीक है। तो इन ये जो आपके पॉइंट गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मुझे कार्टेशियन सिस्टम पे ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। तो साइड से आप लोग देख रहे होंगे आपको ये पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है माइनस थ्री कॉमा फाइव, ये जो आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड पॉइंट आपका थ्री कॉमा वन ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड पॉइंट आपका जीरो कॉमा थ्री ये आपका वाई एक्सिस पे है, आपका जो फोर्थ पॉइंट है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैच करने पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा होगा। सामने साइड से जो फिगर बना हुआ है पूरा कार्टेशियन सिस्टम में उसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इन पॉइंट्स को मैच करने पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो सिक्स का सेकंड पार्ट है इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है नो क्वाड्रिलेटरल। ओके, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स। फोर कॉमा फाइव सेवन कॉमा सिक्स फोर कॉमा थ्री एंड वन कॉमा टू, ठीक है। ये आपके फोर पॉइंट्स गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अज्यूम किया कि जो पॉइंट है वो एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के वर्टेक्स है। ओके, तो लेट 4.5 7.6 4.3 एंड 1.2 आर वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे रफ क्वाड्रिलेटरल बनाया, किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ना स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल किसी भी टाइप का नहीं, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ए बी सी डी वर्टेक्स को मैंने नॉमिनेट किया, ए है आपका 4.5 नॉमिनेट किया, बी 7.6 सी 4.3 एंड डी 1.2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑल फोर साइड्स फाइंड करूंगा, ठीक है। तो ए बी आपकी साइड्स होगी स्क्वायर रूट एफ टू माइनस एक्स वन,
सेवन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ये आपका आएगा सेवन माइनस फोर थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, उन्तीस नाइन प्लस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट टेन। ठीक है, बीसी सेम। मैं यहां पे एक्स टू माइनस एक्स वन लेके एक्स वन माइनस एक्स टू लूंगा, क्योंकि अगर मैं फोर में से सेवन को माइनस करूंगा तो आपका माइनस का साइन आएगा तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, तो मैं एक्स वन माइनस एक्स टू लूंगा। ठीक है, सो एक्स वन माइनस एक्स टू सेवन माइनस फोर का होल स्क्वायर, और मैंने एक्स वन माइनस एक्स टू लिया है तो उधर भी मुझे बाय वन माइनस बाय टू लेना होगा, सो बाय वन माइनस बाय टू सिक्स माइनस थ्री, सिक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक, आपको बचेगा ऐसा थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, थ्री थ्री नाइन प्लस थ्री थ्री नाइन, ये आपका आ गया स्क्वायर रूट एटीन। नाउ सी डी में भी सेम करूंगा, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू फोर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बाय वन माइनस बाय टू फोर माइनस टू का थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके यहां से बचेगा थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो थ्री थ्री जो नाइन प्लस वन स्क्वायर रूट टेन। ओके, नाउ एडी सेम, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर फोर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बाय टू माइनस बाय वन का होल स्क्वायर फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस नाइन स्क्वायर रूट एटीन। अब यहां आपको दिख रहा होगा बीसी एबी एंड सीडी इक्वल है टेन, स्क्वायर रूट टेन है, बीसी एंड एडी इक्वल है स्क्वायर रूट एटीन है, तो टू साइड्स इक्वल हैं, और ये टू साइड्स हैं आपकी एबीसीडी, एबीसीडी अपोजिट साइड्स हैं, एंड बीसी एडी ये भी अपोजिट साइड है, इट मीन्स टू अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, अगर टू अपोजिट साइड्स आपकी पैरेललोग्राम के केस में भी इक्वल होती है, रेक्टेंगल के केस में भी इक्वल होती है, तो ये भी बताना मुश्किल है कि एक्चुअल में ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, तो अभी हमें डायगोनल और फाइंड करने पड़ेंगे। सो एसी डायगोनल एसी के लिए मैं करूंगा एक्स एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस प्लस वाई वन माइनस वाई टू, सो एक्स वन माइनस एक्स टू फोर माइनस फोर स्क्वायर प्लस बाय वन माइनस बाय टू बाय फाइव माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जीरो का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, और जीरो प्लस फोर स्क्वायर रूट फोर। ठीक है, टू यू बीडी एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, तो सेवन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बाय वन माइनस बाय टू सिक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिक्स का स्क्वायर प्लस और ये यहां से जो माइनस होगा तो आपको बचेगा फोर का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन, ये आपका होगा टू फिफ्टी टू। ठीक है, तो एसी आपका आया रूट फोर और या टू, और बीडी आपका आया रूट फिफ्टी टू, तो ये आपके इक्वल नहीं है डायगोनल,
बट आपके अपोजिट साइड इक्वल है, तो डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम के केस में। तो ये आपके क्या है पैरेललोग्राम है, तो मैं सर मैं लिख देता हूं सिस्टमेटिक वे में, तो ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल ए डी, और डायगोनल ए सी डज नॉट इक्वल बी डी। ठीक है, सो गिवन पॉइंट्स फ्रॉम अ पैरेललोग्राम, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा पैरेललोग्राम। तो गिवन पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है,